नए पाकिस्तान की वफाकी काबीना के हवाले से जिसका ऐलान कर दिया गया है। लाहौर से शफकत महमूद को वफाकी वजीर तालीम बनाने की मंजूरी दे दी गई है। शफकत महमूद NA 130 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। वफाकी काबीना के मजीद कौन कौन से वुजरा लाहौर से होंगे, इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं, नए पाकिस्तान की वफाकी काबीना का ऐलान कर दिया गया है। लाहौर से शफकत महमूद को वफाकी वजीर तालीम बनाने की मंजूरी दे दी गई है। शफकत महमूद NA 130 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं और दीगर जो काबीना है उसकी फहरिस्त भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पर जो दीगर उम्मीदवार हैं जिनको वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया गया है उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। लाहौर से सिर्फ शफकत महमूद को वफाकी वजीर तालीम बनाने की मंजूरी दी गई है। शफकत महमूद NA 130 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। आपको बताएं कि नए पाकिस्तान की वफाकी काबीना का ऐलान कर दिया गया है। लाहौर से शफकत महमूद को वफाकी वजीर तालीम बनाने की मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि शफकत महमूद NA 130 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसील जान लेते हैं, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा। लियाकत अंसारी से राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि नए पाकिस्तान की वफाकी काबीना का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक लाहौर से शफकत महमूद को वफाकी वजीर तालीम बनाने की मंजूरी दे दी गई है।